तो हेलो दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि बर्ड्स के ब्रीड ना करने के कुछ मैं आपसे 6 से 7 कारण ऐसे मैं शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी को पता चल जाएगा ऐसे रीजंस कि जिनकी वजह से आपके जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स या फिर पैरट्स हैं, वो चाहे लव बर्ड्स हों, बजीज हो, फिंच हो, कॉकटेल्स हों, कोई से भी बर्ड्स हों, वो आपके यहाँ ब्रीड क्यों नहीं करते। और कई लोगों का रीज़न ये मतलब वो कारण ये रहता है कि हमने तो डायरेक्टली भाई ब्रीडर से परचेज करे थे, हमने किसी कॉलोनी से निकलवा, लेकिन वो हमारे घर आके ब्रीड नहीं कर रहा है। मतलब जहाँ से हमने पहले परचेज करे वो वहाँ ब्रीड कर रहे थे, लेकिन जब हम अपने घर लाए तो अब हमारे घर पे आके उन बर्ड्स ने ब्रीड नहीं करी। तो दोस्तों, इसके कुछ ऐसे कारण रहते हैं, ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहली एक बेसिक चीज़ होती है, वो तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम हुआ है, जो कि मार्केट में जनरली चलता रहता है कि लोगों को लूट लिया जाता है बोल के कि भाई ये ब्रीडर पेयर है। कई लोगों को मेल मेल दे दिए जाते हैं, कई कई को फीमेल फीमेल दे दी जाती हैं, तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं। तो इनके बारे में बात नहीं करूँगा, ये स्कैम होता है ये अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है कि इस पर आपको कैसे ध्यान रखना है कि भाई पेयर में क्या फॉल्ट है, बर्ड्स में क्या फॉल्ट है, मेल फीमेल कैसे चेक करें, वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ रीजंस बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपके घर पे या ये आपकी गलतियां हैं जिन वजह से बर्ड्स ब्रीड नहीं करते। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कारण बता दूं कि जो बड़े एग्जॉटिक पैरट्स होते हैं वो जो है वो ब्रीड क्यों नहीं करते लोगों के यहाँ। तो दोस्तों, उसके भी कई रीजंस होते हैं। कई बात ये रहती है दोस्तों, कई लोग जो हैं वो टेम बर्ड्स परचेस कर लेते हैं या वो चिक्स परचेस करते हैं और उन्हें अपने हाथ से मतलब हैंड टेम करते हैं और फिर उनको ब्रीड पे लगा देते हैं। तो ऐसा मैं बता दूं दोस्तों कि जो जनरली ये कारण देखा गया है कि जो टेम बर्ड्स होते हैं वो वाइल्ड बर्ड से कम ही ब्रीड करते हैं, ठीक है। यही एक मतलब कारण पाया गया है कि जो टेम बर्ड्स होते हैं वाइल्ड बर्ड से कम ब्रीड करते हैं। मतलब वो ब्रीड करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी ब्रीड करते हैं, एज आने पे वो भी ज़रूर ब्रीड करते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा ब्रीड और जितनी अच्छी ब्रीड वाइल्ड बर्ड करते हैं, जितने अच्छे पेरेंट्स वाइल्ड बर्ड होते हैं, उतने ज़्यादा टेम बर्ड्स नहीं होते, ठीक है। उतने ज़्यादा टेम बर्ड्स उतने अच्छे पेरेंट्स नहीं होते। दोस्तों, ब्रीड लेना इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो बर्ड्स जो हैं वो टेम हैं कि वाइल्ड बर्ड्स आप परचेज़ कर रहे हो। पेयर देखिए, वाइल्ड से मतलब ये नहीं है कि अगर आपने वो जंगल से पकड़े हुए बर्ड्स हैं, वाइल्ड का मतलब ये है कि वो अपने पेरेंट्स के नीचे ही रेस करे हुए हैं, हैंड रेस करे हुए बर्ड्स वो नहीं है। तो इससे भी जो है वो ब्रीड पे फ़र्क पड़ जाता है। जनरली छोटे बर्ड्स को तो हम हैंड टेम करते नहीं है, लेकिन ये बात कर रहा हूँ मैं बड़े बर्ड्स की, तो उनमें ये दिक्कत भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये था अपना जो पहला रीज़न। अब दूसरे रीज़न की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ। तो दोस्तों, दूसरा रीज़न होता है प्राइवेसी का, ठीक है। तो प्राइवेसी दोस्तों एक ऐसा रीज़न है जो कि एक मतलब हर चीज़ को, हर लिविंग बीइंग को या कोई भी ऑर्गेनिज्म में उसको प्राइवेसी चाहिए रहती है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। तो उनको प्राइवेसी ज़रूर चाहिए ब्रीड करने के लिए। अगर आप बर्ड्स को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं या उनके मतलब जहाँ उनका केज रखा है वहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो उससे भी ब्रीड पर असर पड़ सकता है। हो सकता है कि वो ब्रीड ना ही करें, क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठ जाता है। पैरट्स जो होते हैं जनरली वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कंपेयर करें अगर अदर बर्ड्स से, और इसमें भी स्पेसिफिकली कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए रहती है। दोस्तों, प्राइवेसी की डिमांड करने वाले बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें से आ जाते हैं दोस्तों पहले नंबर पे अलेक्जेंड्रीन पैरट्स, और मकाओ वगैरह भी होते हैं, लेकिन अलेक्जेंड्रीन जो रॉ पैरट्स होते हैं उनकी तो खैर अपनी कंट्री में ब्रीड कराई नहीं जाती, लेकिन जहां दूसरे देशों में ब्रीड कराई जाती है तो उन लोगों का एक्सपीरियंस ये पाया गया है कि वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बर्ड होते हैं। वो इतनी ईजिली आपसे आपके यहाँ ब्रीड नहीं करते, उनके ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनकी प्राइवेसी का भी काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है। कई पैरट्स बर्ड ऐसे होते हैं जो डार्क प्लेसेस पर ब्रीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जनरली जो ये एग्स वगैरह ले करना चाहते हैं उनको भी उसके लिए भी इनको डार्क जगह ही स्पेसेस अच्छे लगते हैं। तो प्राइवेसी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर टेम बर्ड्स तो एक बार चलिए फिर भी आपके यहाँ ब्रीड कर सकते हैं अगर उनके आसपास लोग हैं, क्योंकि वो सोशलाइज हो जाते हैं, लेकिन वाइल्ड बर्ड्स से आप ऐसे ब्रीड नहीं ले सकते कि आप रोज़ उनके केजेस में जा रहे हैं। ये वो जैसे ये सेटअप है मेरा, तो यहाँ पे भी मैं दोस्तों सिर्फ वीडियो शूट करने आता हूँ, और जब भी मेरे को यहाँ पे दाना वगैरह देना रहता है या कुछ काम होता है तभी मैं आता हूँ। ऐसे नहीं कि मेरा मन करा तो मैं यहाँ के बैठ गया, घूमने लगा यहाँ के, मतलब किसी से बात बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको मैं पूरा अलग ही रखता हूँ, क्योंकि इनके यहाँ अगर आप आके डिस्टर्बेंस करोगे तो ब्रीड पर डेफिनेटली आपको असर पड़ेगा। इसलिए बर्ड्स और पैरट्स की आपको प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इनको ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इनको अपने हाल पर छोड़ देना है। जिस तरीके से रह रहे हैं उसी तरीके से इनको रहने दीजिए, अपना इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस इनके ऊपर मत करिए, क्योंकि प्राइवेसी इनको बहुत ज़्यादा लगती है ब्रीड करने के लिए। इसलिए बर्ड्स को प्राइवेसी ज़रूर से प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, अब आ जाता है अपना तीसरा रीज़न। तो दोस्तों, तीसरा रीज़न ये होता है कि जो प्रॉपर डाइट और सीड मिक्स, सॉफ्ट फूड वगैरह लोग नहीं देते। तो ये कारण मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस करके देखा है कि जब मैंने कॉकटेल बर्ड्स की शुरुआत करी थी तब मैं उनको खाली सीड मिक्स, खाली मैं उन्हें कंगनी दे रहा था,
तो कंगनी में मैंने मोटी कंगनी दी थी थोड़े दिन, वो किसी कारण की वजह से उस समय लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तो मेरे पास सीड मिक्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो मेरे बर्ड्स थे उनकी एज एडल्ट हो चुके थे वो ऑलरेडी, और मैंने उनको पूरा सेटअप वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन उनने सीड मिक्स की वजह से ब्रीड नहीं करी। जैसे ही मैंने उनका सीड मिक्स चेंज करा तुरंत ही विद इन 1 वीक के अंदर उन लोगों ने मेरे यहाँ ब्रीड कर दी। क्योंकि देखिए आप खुद सोचिए, इन लोगों के दिमाग की मतलब साइकोलॉजी बर्ड्स की कुछ इस तरीके की रहती है कि बर्ड्स ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये अच्छा खाने को नहीं है तो हम ब्रीड करके अपने चिक्स को क्या फीड कराएंगे। इसलिए ये लोग डिमांड करते हैं कि इनको अच्छा फीड मिला दिया जा सके, जिससे कि ये लोग अपने जो चिक्स को भी अच्छा फीड करवाएं। यानी अगर आप इस कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बर्ड्स को खाली बर्ड को अगर खाली कंगनी दे रहे हो, देखो बजेज में ऐसा चल जाता है, लेकिन कॉकटेल वगैरह में अगर आप ऐसी खाली कंगनी डाल रहे हो, उन्हें अगर कई लोग तो मैंने देखा बारीक कंगनी डाल देते हैं, तो खाली आप ऐसे दाना दोगे तो इस पर ब्रीड नहीं करते। प्रॉपर इनको सीड मिक्स भी चाहिए और सॉफ्ट फूड भी चाहिए। सॉफ्ट फूड दोस्तों इसलिए काम आता है क्योंकि बर्ड्स जो है कभी कभी एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि वो सीड्स जो होते हैं वो एकदम ड्राई होते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और सनफ्लावर सीड जैसे जो सीड्स होते हैं उनका साइज भी बड़ा रहता है तो चिक्स उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन सॉफ्ट फूड जो होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है तो वो लोग उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए जो सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी मतलब डिपेंड करता है आपकी ब्रीड के ऊपर। क्योंकि अगर इनको पहले ही सीड अच्छा नहीं दिया जाएगा तो ये पहली बात तो आप क्या ब्रीड करेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता रहेगा कि हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा तो हम चिक्स को क्या देंगे। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं, इसलिए आपको अपने दाने का भी खास ख्याल रखना है कि किस तरीके से आपको फीड कराना है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपन अपने चौथे रीजन के ऊपर, तो ये है प्रॉपर सप्लीमेंट्स जो लोग नहीं देते, जैसे कैल्शियम विटामिन मिनरल्स वगैरह ये सब नहीं देते। तो दोस्तों इनको डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे इनको काफ़ी बीमारियां भी लग सकती हैं और इनसे अनफर्टिलिटी भी इशू भी आ सकता है, जिसमें आपके अंडों में बच्चे बनना बंद हो जाएंगे या डेड एंड शेल वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, या ऐसे बहुत सारे तमाम रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप इनको प्रॉपर सप्लीमेंट्स कैल्शियम वगैरह विटामिन मिनरल यूज़ नहीं करा रहा है। अगर आप ये सब नहीं करा रहा है तो कम से कम अगर देखिए अगर आप कोई मेडिसिन नहीं दे रहा है तो मेरी मानिए कि कम से कम आप एक कैल्शियम ब्लॉक तो केज में रखिए कि जो थोड़े इनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो पूरे हों। कैल्शियम ब्लॉक के साथ आप थोड़ा ईट वीट रख सकते हैं और थोड़ा नमक वगैरह, ये सब चीज़ें जो कॉमनली अवेलेबल हैं आप कम से कम वो तो रखिए। अगर आप जो महंगी मेडिसिन वगैरह उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो आप कम से कम कैल्शियम ब्लॉक और ये सब चीज़ें तो अपने केज में रखें ही रखें, क्योंकि इनसे जो है इनके जो विटामिन और मिनरल के रिक्वायरमेंट होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो उससे भी आपको अच्छी ब्रीड देखने को मिलेगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो ब्रीड आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों अपना जो अगला रीज़न आ जाता है जो कि अपना पांचवा रीज़न है, तो दोस्तों ये रीज़न सॉरी दोस्तों ये चौथा रीज़न है। तो दोस्तों चौथा रीज़न अपना ये है कि इसमें प्रॉपर जो केज और साइज़ अपन नहीं देते, केज साइज़ वगैरह अपन नहीं देते बर्ड्स को, केज आपका छोटा है, बॉक्स आपने गलत लगाया है, मटकी छोटी है, तो ऐसे सब रीजंस के कारण भी बर्ड्स आपके यहाँ ब्रीड नहीं करते। ठीक है, अगर जैसे आपने केज साइज़ छोटा दे दिया, मतलब आपने बड़े बर्ड्स को छोटे केज में रख रखा है, तो भी वो ब्रीड नहीं करेंगे। अगर किसी बर्ड का नेचर है कि वो मटकी में ब्रीड करती है, बॉक्स नेस्ट बॉक्स में कम ब्रीड करती है, ऐसा देखा गया है, ऐसा जनरली आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, मेरे एक्सपीरियंस से भी देखा गया है कि कई बर्ड्स जो हैं वो जैसे बजीज को देखा मैंने तो मटकी में ज्यादा अच्छी ब्रीड कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू नेस्ट बॉक्स। इसलिए उनको आप तो मटकी लगाइए, जो बर्ड जिसमें आप अच्छी ब्रीड करें आप उसको वही चीज प्रोवाइड करिए। नेस्टिंग मटेरियल से भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि आप कुछ बर्ड्स को, जैसे मैंने फिंचेस में ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि अगर आप फिंच को नेस्टिंग मटेरियल नहीं देंगे तो वो ब्रीड करेगी ही नहीं। ठीक है, वो ब्रीड करेगी ही नहीं, मतलब वो करेगी लेकिन वो उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। ठीक है, बच्चे नहीं निकल पाते वो, मतलब कई रीजंस होते हैं, क्योंकि आप जो है बर्ड्स के जो नेचुरल बिहेवियर है आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको उसके साथ होकर ही उसको देनी पड़ती हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि अगर आपका केज छोटा है, मटकी आपने गलत लगा दी, बॉक्स का साइज छोटा लगा दिया, तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं ब्रीड को। और दोस्तों जो अगला रीज़न है अपना दोस्तों वो ये होता है कि आपको बर्ड्स को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। कई लोगों के यहाँ मैंने क्या देखा है कि मैंने जो खुद कॉकटेल परचेज करे थे उसके अगर मैं रीज़न बताऊँ तो वो इसलिए मैंने लिए थे, जो चिक्स थे जिनको मैंने हैंड टेम करा, अपने शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे उनके, तो इसलिए करा था क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो किसी ने उड़ा दिए थे। हुआ क्या था कि उनके यहाँ जिनके घर से मैंने लिए थे उनके बच्चे वगैरह थे, तो उनने नेस्ट बॉक्स को खोल दिया था और उनके पेरेंट्स उड़ गए थे, तो इसलिए वो बेचारे बच्चे जो थे उनको फीड कराने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने उनको ले लिया था। तो ये रीज़न बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लोग जो होते हैं बार बार बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग सी चीज़ लगती है कि यार आपके यहाँ बर्ड्स ने ब्रीड करी है, मतलब मानता हूँ मैं एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन उसी एक्साइटमेंट में लोग बार बार जो है मटकी को डिस्टर्ब करते हैं, बॉक्स को डिस्टर्ब करते हैं, खोलते हैं, एग्स वगैरह छूते हैं, चिक्स वगैरह को उठाते हैं, तो ये चीज़ें भी गलत रहती हैं। बर्ड्स जो है इससे ब्रीड करना छोड़ देते हैं, स्पेशली कॉन्योर में ऐसा देखा गया है कि अगर आप उनके एग्स या चिक्स को बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो वो उनको मतलब
अगर वो एग्स मतलब से कराए तो वो उनको इंक्यूबेट करना ही छोड़ देंगे, और अगर वो चिक्स को फीड कराना है तो वो चिक्स को खिलाना भी छोड़ देंगे। ये सब रीजन देखे गए, प्रैक्टिकल करे गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं करना है, बर्ड्स को प्राइवेसी देनी है, अकेला छोड़ देना है, वो ब्रीड करना है, ठीक है। आप एक आध बारी आके बॉक्स में चेक कर लीजिए बस, और वो भी तब आप बॉक्स खोल के देखिए जब जो जो उनके पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, वो बॉक्स से बाहर हों, तभी आप बॉक्स खोल के देखिए, वरना बॉक्स भी मत खोलिए जब तक कि उनके पेरेंट्स अंदर बैठे हैं, क्योंकि उनसे उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, और इससे कई बार बर्ड्स जो हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और डिप्रेस होकर वो अपने चिक्स को भी खुद मारने भी लगते हैं। कोकाटू वगैरह में ऐसा काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों कोकाटू वगैरह में देखा गया है कि वो कई बार जो है अपनी फीमेल को भी मार देते हैं, इस रीज़न की वजह से, क्योंकि डिस्टर्बेंस के कारण, तो वो जो है पूरी उनकी ब्रीड डिस्टर्ब हो जाती है, इससे वो अपनी फीमेल पर भी मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है और अटैक कर देता है। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना। और लास्ट रीज़न मैं बताऊं तो ये है दोस्तों, सनलाइट और एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए केज में। ये चीज़ मैंने जावा में देखी, अगर जावा को आप प्रॉपर सनलाइट नहीं दोगे और एयर वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन केज में नहीं होगा, तो वो आपके यहाँ अच्छे से ब्रीड नहीं करेगी। तो दोस्तों ये सब कुछ रीज़न थे जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस से, और जो दूसरे लोग हैं उनके भी एक्सपीरियंस से जो कि मैंने जाने थे, वो सब आपको बता दिए। और हर बर्ड्स के कंपैरिजन में मैंने आपको बता दिया, चाहे वो बजीज हो, फिंच हो, लवबर्ड हो, कॉकटेल हो, जो भी तकरीबन बर्ड्स मैंने रखी हैं उनके मैंने आपको रिलेट करके बता दिया कि इस बर्ड में ये प्रॉब्लम आ सकती है, उस बर्ड में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे आप अपनी कंडीशन को रिलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि दोस्तों बर्ड्स आपके यहाँ ब्रीड क्यों नहीं कर रहा है। अगर आप इन सब रीज़नों को सुधार लेंगे तो आपके यहाँ बर्ड्स डेफिनेटली 101% ब्रीड करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त यह है कि आपको ये सब रीजंस फॉलो करने पड़ेंगे, और इसमें से कोई भी जो मैंने कारण बताया इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अगर कोई कारण छूट रहा हो छोटा मोटा, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो मुझे भी उससे पता चल जाएगा, मुझे भी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसी तरह किसी अगले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय।